mean, दफ्तर हाँ जी हाँ जी लिख लें फोन नंबर चाहिए क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कैलाश है और मैं टैगोर नगर में निवास करता हूँ। इंजेक्शन लगवाने आए हैं, कितना जरूरी है और क्या लगता है आपको? पहले लोग लगवाते नहीं थे? नहीं, जो लोग नहीं लगवाते थे उन्हें लगवाना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। इस टीके, इस कोविड महामारी से हम तभी जीत सकते हैं जब हम ये टीका लगवाएं। जो स्टेप है सरकार का वो बिल्कुल सही है। सरकार कह रही है इंजेक्शन लगवाएं। भारत सरकार जो सही कह रही है सही कह रही है। हमें अपने भारत सरकार, राज्य सरकार, इन सभी के सहयोग में से यह टीकाकरण करवाना चाहिए। वार्ड नंबर 70 दे विच पार्षद मनिंदर कौर घुमन वालों अज असी एक वैक्सीनेशन कैंप गुरु रविदास धर्मशाला दे विच लगवाया। असी एक कैंप लगभग 10 दिन पहलों 4 दिन का रेगुलर कैंप गुरु रविदास धर्मशाला बुक कराया सी। कल रात मेरी डॉक्टर कुकरेजा नाल गल हुई तो उन्होंने कहा कि असी सारे ही कैंप्स बंद करते हैं तो जो भी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है हुण टीकाकरण खाली गवर्नमेंट डिस्पेंसरी विच होएगा। तो असी सारे इलाके दे लोगों नूं जिहड़ी सरकारी डिस्पेंसरी है गुरु प्राइमरी स्कूल दे नाल उत्थे आन वास्ते कहा।
ते अज सवेरे जदों असीं उत्थे पहुंचे ते आ के देखिया कि वह कैंप मेयर बलकार सिंधु जी का बेटा आ के उस कैंप के सारे स्टाफ नूं लै के गुर सीनियर सिटीजन होम के लै गया कि इत्थे टीकाकरण नहीं होएगा, साडे दफ्तर के टीकाकरण होएगा। मेयर बलकार सिंधु का बेटा खुद आ के उन्होंने स्टाफ के मैंबरों लैके गया और उसने कहा कि टीकाकरण साडे दफ्तर के होएगा। जिस वेले मैं SMO डॉक्टर रमनप्रीत जी नाल गल की कि सारे लोग इत्थे खड़े है डिस्पेंसरी के बाहर और टीकाकरण वास्ते सारे लोग लाइना बना खड़े है, लगभग 150-200 लोग उस वेले खड़े सी, तो उन्होंने कहा कि चलो वो टीम उत्थे लै गया, मैं एक एक्सट्रा टीम तुहाडे इत्थे गुरु रविदास धर्मशाला भेज दिंदी हां। तो गुरु रविदास धर्मशाला दे विच असीं वो टीकाकरण शुरू करवाया इलाके निवासियों की सहूलत वास्ते, तो 100 की वैक्सीन आई सी साढ़े को, लगभग 150 लोग वैक्सीनेशन वास्ते आए। असी 100 के नंबर लिखण तो बाद जिस वेले वैक्सीनेशन स्टार्ट की उस तो बाद एक बार फिर मेयर साहब का बेटा बलकरण संधु वो इत्थे आया तो स्टाफ नूं धमकाण लग गया। उन्हें स्टाफ नूं धमकाते हुए कहा कि तुसी किदी मर्जी दे नाल इत्थे आए हो। जदों आम लोगों ने जिहड़े वैक्सीनेशन वास्ते लाइना च खड़े सी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेयर साहब के तुसी बेटे हो पर तुहानूं इह गल्लां शोभा नहीं दिंदियां, असी सारे लोग इत्थे वैक्सीनेशन वास्ते आए हाँ और सारे लगभग 1.5-2 घंटे तो खड़े हाँ और हुण तुसी स्टाफ नूं कह के वैक्सीनेशन बंद करवा रहे हो, यह तुहाडे वास्ते ठीक नहीं है, तां उह धमकियां दिंदा होया इत्थों चलिया गया। तो मैं सिर्फ तो सिर्फ सरकार नूं और जिहड़े भी अहुदेदार ने सरकार दे विच उन्हां सारे नूं यही बेनती करना चाहना कि यह वैक्सीनेशन आम लोगों वास्ते है। असी सारिआं ने कोविड नूं दूर करने वास्ते जिहड़ी यह महामारी समाज आई है उन्हूं दूर करने वास्ते यह वैक्सीनेशन कैंप लगाया है। तो जे इस वैक्सीनेशन कैंपां दे उपर भी राजनीति होएगी और इस वैक्सीनेशन कैंपां दे उपर भी धक्का होएगा कि मेयर साहब दे ऑफिस ही वैक्सीनेशन कैंप लगेगा और किसी कौंसलर या सरकारी डिस्पेंसरी कोई कैंसिल नहीं लगेगा, तो मैं समझदा ये गल्लां साडे वास्ते शोभा नहीं दिंदियां। सानू सब नूं मिल के इस इकट्ठे हो के इस वैक्सीनेशन वास्ते प्रयास करने चाहिए है और आम लोगों की सहूलत वास्ते लड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का जिहड़ा दिक्कत आई है वो इस करके आई है क्योंकि जिहड़ा मैं पहलों जिक्र किया कि यह सारा कैंप डिस्पेंसरी दे विच लगना सीगा, जैसा SMO मैडम और डॉक्टर कुकरेजा जी ने दस्या सी कि डिस्पेंसरी च वैक्सीनेशन होनी है, सारे लोग डिस्पेंसरी दे के खड़े सी ते डिस्पेंसरी तो जिस वेले कैंप नूं इक उत्थे उन्हां वेयर साहब अपने दफ्तर च लै गए और दूसरा कैंप जिहड़ा असीं इत्थे लगवाया उहदे करके इह डिस्टर्बेंस होई है। जे एज रूटीन जिस प्रकार सरकार दी प्लानिंग सी डिस्पेंसरी च कैंप लगेगा उत्थे ही लगदा तां शायद दिक्कत ना होंदी। सर इक कैंडीडेट होर निकल के गया, पार्शियलिटी कितनी उस विच? ऐसा है कि जिस तरह मान लो एक परिवार का एक व्यक्ति आता है वो अपना नाम लिखवा देता है तो कहता है कि मेरे चार नाम होर है, मेरे परिवार के चार मैंबर होर है, तो असं वो तीन नाम वो खाली छड़ दें क्योंकि एक परिवार का एक व्यक्ति ही नंबर वन वास्ते आया है। जे इतने वो चार के चार लोग आएंगे तो जी गल सोशल डिस्टेंसिंग भीड़ होर ज़्यादा होगी, इस करके एक बंदा नाम लिखवा जाओ उस जो तो नंबर आएगा वो चार लोग आके अपनी वैक्सीन लगवा लें, इस करके नंबर छड़े हुए। ठीक है।